download Tarang online radio app from Google Play Store. हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी हैं। आप चेयरमैन हैं काउंसिल फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। आप एक सीनियर जर्नलिस्ट, सीजन जर्नलिस्ट, नेशनल जर्नलिस्ट, भारत सरकार में बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट है, आपकी बात सुनी जाती है। सर, आज अभी जो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो आप कैसे आँकते हैं? बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल आ गई, करतारपुर कॉरिडोर का भी एक गुरु नानक देव जी के जयंती पे इसका शुभारंभ हुआ। ये डायलॉग और ये पॉलिसी भारत सरकार की, आप उनको कैसे आंक रहे हैं और कहाँ जा रही है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी नरम होते हैं, कभी गर्म होते हैं, कुल मिला के वो सामान्य नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए। भारत ने बड़ी अच्छी कोशिश की कि एक गुरु नानक जी के जो पुण्य तीर्थ है जहाँ उनका स्वर्गवास हुआ, वहाँ के लिए बरामदा बनाने की बात कही। भारत के भी लाखों रुपए खर्च होंगे, 1-1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान का भी खर्च होगा। ये बरामदा बन जाएगा तो भारत की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, लोग सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। तो लाखों सिख भक्तों को और गुरु नानक जी के जो भी भक्त हैं उनको बड़ा आराम हो जाएगा। अभी उनको पहले लाहौर जाना पड़ता है और लाहौर से करीब 125 किलोमीटर बस की यात्रा करना पड़ती है, रात को वहीं टिकना पड़ता है। तो इन सब मुसीबतों से बचने के लिए ये बरामदा बहुत अच्छा है। ये सिर्फ सड़क का बरामदा ही नहीं है, दो दिलों के बीच भी बरामदा बन सकता है, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का एक साधन बन सकता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में वो खालिस्तानियों को, अलगाववादियों को हवा दे रहे हैं और उस बरामदे का जो रास्ता है वहाँ सब दूर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, आज़ाद खालिस्तान, आज़ाद खालिस्तान। पाकिस्तानियों को ये होने नहीं देना चाहिए। फिर हमारे अफसर भी वहाँ गए तो उनको भी मिलने से मना कर दिया, ये भी ठीक नहीं है। अगर प्रेम का सौदा है तो उसमें ये सब कंकड़ पत्थर बीच में होने नहीं चाहिए। इसके अलावा हमारी सरकार को भी चाहिए कि इमरान खान से बात करें, बात बात में वो बात तोड़ देते हैं। पहले जो पाकिस्तानी राजदूत के यहाँ कुछ हुर्रियत के लोग चले गए तो जो बातचीत होने वाली थी दो विदेश मंत्रियों के बीच वो तोड़ दी गई। फिर पाकिस्तान को, हुर्रियत को, सबको अछूत घोषित कर दिया गया। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर के बारे में 4 पार्टियाँ हैं, भारत और पाकिस्तान तो है ही है, आज़ाद कश्मीर के लोग भी हैं, हमारे कश्मीर के लोग भी हैं, सबको बिठा के बात करनी चाहिए। और जो कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी सिर्फ कश्मीरियों को चाहिए? हमको नहीं चाहिए क्या? हर हिंदुस्तानी को आज़ादी चाहिए, हर पाकिस्तानी को आज़ादी चाहिए, कोई भी गुलाम क्यों रहे? हम तो सबको आज़ाद करना चाहते हैं। तो कश्मीरियों से पूछे कि आज़ादी का मतलब क्या है? तुम आज़ादी चाहते हो या अलगाव चाहते हो? हम अलगाव के विरुद्ध हैं, बल्कि हम तो जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है उसको भी हमारे कश्मीर से जोड़ना चाहते हैं। अलगाव हम नहीं चाहते, एका चाहते हैं, बल्कि हम तो पाकिस्तान के भी अलगाव के विरुद्ध हैं। पाकिस्तान को भी भारत पाक महासंघ में या दक्षिण एशिया के पूरे एक महासंघ में हमको जोड़ना चाहिए। एक जोड़ की, प्रेम की, सद्भाव की इस पूरे दक्षिण एशिया में बड़ी ज़रूरत है और उसकी शुरुआत हमको कश्मीर से करना चाहिए। कश्मीर अभी खाई बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं चाहता हूँ कि वो एक पुल बने, वो एक सेतु बने और दोनों को जोड़ने का कुछ काम हो। जो एक 4 सूत्री फार्मूला तय हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में और बाद में अटल जी और मनमोहन सिंह जी ने भी उस पर बात की थी, उस पर मोदी को चाहिए कि फिर से बात करें। अगर नरेंद्र मोदी ये पहल कर दे तो इतिहास में उनका नाम रह जाएगा, वरना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो आते जाते रहते हैं, लोगों को उनके नाम भी याद नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि मोदी अगर दोबारा आ गए तो शायद इस दिशा में कुछ काम करें। सर, ये कश्मीर में वहाँ के राजनीतिक जो घटना का क्रम है, वहाँ एक अजीब सा साइकिल है। जब आप सरकार में होते हैं तब आप
सेंटर की बात बावाई करते हैं, जैसे आप सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं या आप सरकार से बाहर हो जाते हैं, तो आप एक आज़ादी और वहाँ के लोगों का जो एक भड़काऊ जो चेतना है उसको और भड़काने में, आग लगाने में उनकी बहुत अहम भूमिका हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस, ये सिम्टोमेटिक है या ये क्रॉनिकल बीमारी है? उनकी राजनीतिक मजबूरी है, जो भी सत्ता में होता है उसको केंद्र के प्रति भक्तिभाव बताना ही पड़ता है, जो सत्ता में नहीं होता है वो हर पैंतरा इस्तेमाल करता है कि जिससे वो सत्ता में आ सके, लोगों के बीच वोट प्राप्त कर सके।